कंप्लीट चैप्टर को 25 फाइव टू थर्टी मिनट्स में रिवाइज करते हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज टू जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है बिकॉज इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर सब कुछ हम डिस्कस करेंगे सो फॉर इन दिस सीरीज वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट सोशल साइंस हमारी कवर हो चुकी है एस एस टी के हमारे जो मैप वर्क है वो भी हमने कवर कर लिया टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड चैप्टर नाजिजम एंड द राइज ऑफ हिटलर दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री इसको हम डिस्कस करने वाले हैं दिस चैप्टर इज लिटिल बिट इजियर अगर कंपेयर करें हम फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के साथ बिकॉज दिस चैप्टर इज हैविंग समथिंग टू कनेक्ट विद हम उसके साथ कुछ कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को बिकॉज दिस इज ए स्टोरी वहाँ पे फैक्ट्स थे और स्टोरी नहीं थी वहाँ पे पार्ट्स थे यहाँ पे एक स्टोरी फ्लो में चलती है एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ हिटलर नाजिम इज द आइडियोलॉजी ऑफ द हिटलर तो जो हिटलर है उसकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में हिटलर बंदा ठीक था बस उसका दिमाग ख़राब था बिकॉज ही वॉज एन एक्सीलेंट मैनेजमेंट स्किल थी उसके पास एंड ही वॉज वेरी गुड स्पीकर भी बहुत अच्छा था ही वॉज़ ए ब्रीव बट कहीं ना कहीं वो आगे चल के गड़बड़ करता है क्या गड़बड़ करता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो इस चैप्टर को हम यहां पर डिस्कस करेंगे थ्री सेगमेंट रहेंगे इन द फर्स्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सेकंड सेगमेंट में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि थ्री मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड इन द लास्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो दैट्स मोर देन इनफ यानी कि आपको कुछ भी इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है इट मीन्स ये इनफ रहेंगे आपके लिए लेट्स बिगिन चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से हमें डिस्कस करने चाहिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा विच कंट्रीज वर इन द अलाइज अलाइज में कौन सी कंट्रीज थी ये हमें बताना है तो ये अलाइज क्या है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड था भाई युद्ध होगा तो ऐसे ही होगा ना दो ग्रुप तो होने होंगे तो दो ग्रुप थे उनमें से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देर वॉज द फर्स्ट ग्रुप अलाइज था और सेकेंड था एक्सिस पावर हमें पूछा गया विच कंट्रीज वर इन द अलाइज अलाई ग्रुप में कौन सी कंट्रीज थी सो इंग्लैंड फ्रांस रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट यूएसए वर पार्ट ऑफ अलाइज के पार्ट थे कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी सेम ग्रुप में थे सेकेंड क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है विच कंट्रीज वर इन द एक्सिस पावर्स कौन सी कंट्रीज एक्सिस पावर्स में थी सो जर्मनी जापान एंड इटली दीज वर दिन कंट्रीज इन द एक्सिस पावर्स एक्सीस पावर यानी कि एक्सिस को हिंदी बोलते हैं धूरी इसी के चारों तरफ पूरा वर्ल्ड घूम रहा था तो मेन कंट्रीज थे एक्सिस पावर में जर्मनी जापान एंड इटली यहां पर दीज कंट्रीज हैड टू तो फेस डिफीट इनकी हार होती है नाउ लेट्स द दर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा जर्मनीज़ रूहर रीजन इज फेमस फॉर विच मिनरल जर्मनी का रूहर रीजन है वो किस मिनरल के लिए फेमस है एंड दिस रीजन इज फेमस फॉर कोल कोल के लिए फेमस है ये रीजन हमारा जो छोटा नागपुर प्लेटिव है दैट टू इज वेरी फेमस फॉर कोल इसलिए ऑफन हम उसको बोल देते हैं और छोटा नागपुर प्लेटिव इज द रूहर ऑफ इंडिया छोटा नागपुर प्लेटिव भारत का रूहर कहलाता है क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटिव इज ऑल्सो फेमस फॉर कोल वहां पर झरिया बोकारो रानीगंज तीन माइन्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है फोर्थ क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन अक वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था एक मंदी आ गई थी पूरी वर्ल्ड को चपेट में ले लिया था इंक्लूडिंग दू एस ए द सुपर पावर ऑफ दैट टाइम वो भी उसी लपेटे में आ गए थे एंड इट अफेक्टेड इंडिया टू एट दैट टाइम इंडिया भी उसी लपेटे में आया था तो ये कब आई थी ये एक इंपॉर्टेंट इसलिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बिकॉज दैट हेल्प हिटलर टू राइज टू पावर हिटलर को काफी से हेल्प मिली थी सो इट अकर्ड बिटवीन 1929 टू 1933 के बीच में ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द राइक स्टैक राइक स्टाग इसको बोला जाएगा करेक्ट जो प्रोनाशिएशन रहेगी रिच स्टैग या ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा व्हाट इज दिस राइक स्टाग ये क्या ही है ये हमें बताना है सो दिस इज द जर्मन पार्लियामेंट इसकी स्पेलिंग भी अच्छे से कर लोगे इट कैन बी आस्ट लाइक दैट नेम द जर्मन पार्लियामेंट जर्मन पार्लियामेंट का नेम बताइए सो so, हमें स्पेलिंग भी पता होनी चले सो दिस इज द राइक स्टाक जैसे हमारे यहां पे लोकसभा है दिस इज द लोअर हाउस ऐसे ही वहां पर लोअर हाउस है दैट इज द राइक स्टाक नाउ लेट्स मूव टू द दिक्कत क्वेश्चन वेन डिड हिटलर बिकम चांसलर ऑफ जर्मनी हिटलर जर्मनी के चांसलर बन गए थे चांसलर लाइक दैटे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जर्मनी में आज भी वहां पर चांसलर होते हैं पावर्स एंड द फंक्शंस आर द सिमिलर यानी पोजिशन का नेम चेंज है लेकिन पावर्स और फंक्शन है वो सेम रहे तो ही बीकम हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ द जर्मनी नाइनटीन थर्टी थ्री में वो चांसलर बन जाते हैं सेवेंथ क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट में हुआ द नाजी आइडियोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग अनडिजाइबल्स थे अनडिजल जो अनवांटेड जिसको हम कह सकते हैं अनवांटेड मतलब जिनको हम नहीं पसंद करते ओके सो अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी ज्यूज जिप्सीज़ पोलिश जो पोलैंड के निवासी थे अनहेल्दी वर वनडिजायरबल ये अनडिजायरबल थे यानी कि जिनको वो चाहते थे कि ये जर्मनी में नहीं रहने चाहिए ओके सो ज्यूज जिप्सीज पॉलिश एंड अनहेल्दी जर्मन वर कोल्ड अनडिजाइबल किसने कहा अकॉर्डिंग टू द जर्मन और द नाजी आइडियोलॉजी एट्थ क्वेश्चन रहेगा वट वॉज हिटलर हिस्टोरिकल मिस्टेक और हिस्टोरिकल ब्लैंडर इसको कह सकते हैं ब्लैंडर ओके हिस्टोरिकल ब्लैंडर था एक बड़ी भयंकर भूल थी जिसने सारा पासा ही पलट दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सो अटेकिंग दोवियत यूनियन नाइनटीन फोर्टी वन वॉज द हिस्टोरिकल ब्लैंडर ऑफ द हिटलर क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई एक तो अटैक कर दिया इट मीन्स दैट नाउ द जर्मन आर्मी हेड टू फाइट ऑन बोथ द साइड यानी ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी और वेस्टर्न फ्रंट दोनों साइड पर उसे युद्ध करना पड़ा यानि कि उसकी पावर हाफ रह गई सेकेंड द जर्मन जो सोल्जर्स थे दे वो ट्रेंड टू फाइट इन द हार्ड कंडीशंस

उसके जो सपोर्टर थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया था क्यों कहा गया था बिकॉज आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड टू साइन हैड टू साइन मतलब ऑप्शन नहीं था भाई साइन करने पड़े हैड टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वर्साइल की एक ट्रीटी होती है जिसकी हम बात करने वाले आगे चल के वो साइन करने पड़े लेकिन उस वक्त पावर में कौन थे वाइमर रिपब्लिक थे भाई इन्होंने कुछ किया ही नहीं था लेकिन ये थे उस वक्त पावर में ओके okay? सो so, पीपल है फॉर दैट ट्रीटी जो हार्स ट्रिटी थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वाइमर रिपब्लिक को ठहराया और क्योंकि ये नवंबर में हुई थी तो इसलिए इनके स्पोर्टर्स जो है उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है नाउ लेट्स टू द टेंथ क्वेश्चन जो रहेगा वेन वॉज द इनेबलिंग एक्ट पास इन जर्मनी इनेबलिंग एक्ट की बात की जाएगी ये थ्री मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज इनेबलिंग एक्ट ही वो एक्ट था जिसने हिटलर को डिक्टेटर बना दिया सो इट वॉज पास थर्ड मार्च नाइनटीन थर्टी थ्री थर्ड मार्च थर्टी थ्री को इस एक्ट को पास किया गया था दै एक्ट गे पावर्स टू हिटलर एंड नाउ ही बिकम द डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी इलेवेंथ क्वेश्चन है विद विच इवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट किस इवेंट के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है अटैक ऑन पोलैंड बाई जर्मनी ऑन सेप्टेंबर नाइनटीन थर्टी नाइन में जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था एंड दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा ट्रीटी डि जर्मनी हैव टू साइन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी थी जिसको साइन करना पड़ा था जर्मनी हैड टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ट्रेट ऑफ वर्साइल थी उसको साइन करना पड़ा दैट वॉज ए क्वाइट हार्स ट्रेटी और कहा जाता है कि ये जो ट्रेटी ऑफ वर्साइल है इसी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच बो दिए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा ये हार्स थी कि जो जर्मन्स थे दे वॉन्टेड टू टेक रेवेंस कि बदला लेना है बदला, बदला लेना है बदला लेना है उसी चक्कर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया थर्टींथ क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में फ्रॉम दिस चैप्टर हु वॉज गोबल्स गोबेल्स कौन थे गोबेल्स एक पर्सन था

1945 में ये भी सुसाइड कर लेता है क्योंकि इसे भी पता था कि सारे कांड मैंने किए और पकड़ा गया ना तो छोड़ेंगे नहीं फोर्टींथ क्वेश्चन रहेगा वेन वोज द न्यूरमबर्ग सिटीजनशिप एक्ट पास जो हमने

When did Hitler विदड्रो Germany from the League of Nation? Now we have यू United uh, Nation of uh, Nation नेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हिंदी में बोलते हैं यू एन ओ ना हमारे पास before that one there was a League of Nation था लीग ऑफ नेशन है दैट कैम इन टू एग्जिस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो बट दैट वन वॉज ए क्वाइट वीक ऑर्गेनाइजेशन था ओके वीक ऑर्गेनाइजेशन था जो केवल uh, तमाशा देखता था तो उससे कब हिटलर ने जर्मनी को बाहर निकाल लिया कि भाई हम नहीं रहते इस ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं कब बाहर आए थे ये हमें बताना है सो हिटलर विड्रो हिटलर विड्रो जर्मनी फ्रॉम लीग ऑफ नेशन इन 1933 में उन्होंने बाहर निकाल लिया था और उन्होंने कह दिया था कि भाई आपके जो भी शर्तें हैं न, वो अपने पास रखो हम नहीं मानने वाले तो ये थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नाउ लेट्स डू डिस्कस द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से है और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन द इनेबलिंग एक्ट इनेबलिंग एक्ट क्या था यह हमें बताना है द इनेबलिंग एक्ट वॉज पास ऑन थर्ड मार्च नाइनटीन थर्टी थ्री को यह पास किया गया था पहली चीज तो हमें यह याद रखनी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क्स टू हिटलर बिकम डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी आफ्टर दिस एक्ट इस एक्ट के बाद हिटलर जर्मनी के डिक्टेटर बन जाते हैं अंडर दिस एक्ट ऑल पार्टीज एक्सक्लूडिंग द नाजी पार्टी एंड इट्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस वर और इस एक्ट के तहत क्या किया गया एक्सक्लूडिंग द नाजी पार्टी जो हिटलर की पार्टी थी और उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन थे यूनियन वगैरह थी उनको छोड़ करके ऑल वर बेंड बाकी के ऊपर बैन लगा दिया गया कि भाई चूचा कुछ नहीं करनी आप साइड हो जाओ उसके बाद फोर्थ जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर था दैट हिटलर एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर मीडिया आर्मी एंड जुडिशरी ही एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर मीडिया आर्मी और जुडिशरी है उसके ऊपर कंट्रोल है वो सेटअप कर लेता हिटलर सो ही बिकम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द जर्मनी एंड ही बिकम अब्सुलूट डिक्टेटर देअर तो ये था इनेबलिंग एक्ट कि उसने क्या क्या चेंज किए ही डेट एक्ट चेंज एवरीथिंग सब कुछ बदल गया वहां पर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा थ्री मार्क्स में वट वॉज द यूथ पॉलिसी ऑफ़ नाजी जर्मनी नाजी जर्मनी की यूथ पॉलिसी क्या थी ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि यूथ को लेकर के क्या सोचते थे नाजी लोग जो नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी द यूथ व टोट इंस्टिक डिसिप्लिन में उनको पढ़ाया जाता था द यूथ वर टोट टू वर्शिप नाजी आइडियोलॉजी उनको पढ़ाया जाता था रटाया जाता था नाजी आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करो नाजी आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करो एंड दे वर टोट टू वर्शिप हिटलर की हिटलर की पूजा करो एंड वॉर दे वो टोड टू वर्शिफ वॉर की युद्ध की पूजा करो लाइक like दैट की यानी उनको ये कहा जाता था कि आपके लिए हिटलर सब कुछ है नाइजी आइडियोलॉजी सब कुछ है युद्ध ही सब कुछ है एंड दे वर ऑल्सो टोड टू हेट ज्यूज उनको यह भी सिखाया जाता था कि ज्यूज आर द ग्रेटेस्ट एमी और उनकी नफरत करो उनको खत्म करना है ओके okay. सो so, अगर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है तो ये आप इन पॉइंट्स को अलग अलग भी राइट कर सकते हो दैट यूथ टू वर्शिप नाजी आइडियोलॉजी यूथ यूथ टू 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 हिटलर एंड दे हेट द ज्यूज से नफरत करना उनको सिखाया जाता था ओके एंड इट वॉज ए मैंडेटरी फॉर द यूथ टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड द आर्मी और हर यूथ के लिए मैंडेटरी था नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना और नाजी आर्मी को ज्वाइन करना यानि कि कंप्लीटली जब तक वो बड़े होते थे ग्रोन अप होते थे तब तक वो नाजी के रंग में रंग दिए जाते थे सो दैट वॉज द पॉलिसी ऑफ द नाजी जर्मनी टू आर्ड्स द यूथ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वट वॉज नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड यानी कि वेमेंस को लेकर के नाजी आइडियोलॉजी क्या कहती थी उनकी क्या पॉलिसी थी अकॉर्डिंग टू द नाजिजम मेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द विमेन इज टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड होम अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विमेन की थी कि उनको बच्चों की देखभाल करनी है घर की देखभाल करनी है दैट्स इनफ और कुछ नहीं करना उनको अकॉर्डिंग टू हिटलर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर्स टू इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन नाजी आइडियाज हिटलर के अकॉर्डिंग यह था कि इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदर्स टू इंट्रोड्यूस द चिल्ड्रन नाजी आइडियाज कि नाजी जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में बच्चों को बताना ये मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंक्रेज टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द ज्यूस और विमेन्स को इंक्रेज किया जाता था कि वो ज्यूज से दूर रहें डिस्टेंस बना करके रखें एंड टू प्रोड्यूस प्योर जर्मन आर एज चिल्ड्रंस उनको ये भी फोर्स किया जाता था कि वो प्योर जर्मन आरेंज चिल्ड्रं से पैदा करें एंड दीज टाइप ऑफ वेमेन वर अवार्डेड उनको अवार्ड दिए जाते थे जो प्योर जर्मन आरेंस जो जर्मन आर्यस की तरह दिखते थे उनको अवार्ड दिए जाते थे एंड दोज हुड्यूस जो नॉन जर्मन दिखते थे ऐसे बच्चों को प्रोड्यूस करते थे उनको पनिशमेंट दी जाती थी ओके एंड अकॉर्डिंग टू नाजिजम द मैटर ऑफ फीमेल एंड मेल इक्वलिटी इज मीनिंगस और नाजी आडियोलॉजी के अकॉर्डिंग एक ये भी कहना था कि जो मेल और फीमेल इक्वलिटी की बात करते हैं वो मीनिंगस है मेन एंड फीमेल कैन नॉट बी इक्वल अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी ओके तो ये थी नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड क्या था कि अकॉर्डिंग टू द नाजिजम द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विमेन वर्स टू टेक केयर ऑफ द होम एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन कि ये काम है उसका एंड दे अकॉर्डिंग टू द हिटलर इट वॉज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विमेन और द मदर्स टू ट्रांसफर और इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन अबाउट द नाजी आइडियोलॉजी के बारे में उनको दिमाग में भरे कि ये नाजी आइडियलॉजी हिटलर उनके लिए सब कुछ है ये माना जाता था कि ये महिलाओं का काम है एंड वीमेन वर इंक्रेज इंक्रेज टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द ज्यूज कि ज्यूज से दूर रहना ये उनको सिखाया जाता था एंड दे वर इंक्रेज टू प्रोड्यूस प्योर जर्मन आर इन चिल्ड्रेन एंड दीज टाइप ऑफ विमेन वर अवार्डेड टू उनको अवार्ड दिए जाते थे मार्केट में स्पेशल डिस्काउंट दिए जाते थे लाइक like दैट इस तरीके से उनको इंक्रेज किया जाता था एंड दूसरी तरफ बाकी जो फीमेल्स होती थी जो कि जीव से कांटेक्ट में आते थे लाइक like दैट तो उनको पनिश किया जाता था एंड लास्ट जो नाजी आइडियोलॉजी का कहना था कि दैट देर इज़ नो इक्वालिटी अमंग द मेल एंड द फीमेल इज़ नॉट पॉसिबल कि ये है ही नहीं इक्वालिटी में वो बिलीव नहीं करते थे सो so ये थी नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड की वो क्या सोचते थे महिलाओं के बारे में नाउ लेट्स टू द फोर्थ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट में रहेगा दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट ए नोट ऑन द होलो कोस्ट दैट जर्मनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड होलो कोस्ट क्या है इसको हम हिंदी में कह सकते हैं पढ़ले महाध्वंश ये महाध्वंश हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही जो ज्यूज थे जिप्सीज थे उनको मारा गया था तो क्या था ये हमें बताना है द मिस्क रीड आउट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज कॉल्ड होलो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो हत्याएं हुई थी जो लोगों को मारा गया था उसे हॉलो कहा जाता है ओके ड्यूरिंग दिस टाइम 60 लाख ज्यूस 2 लाख जिप्सीज 10 लाख पोलिश एंड सेवन सेवनटी थाउजेंड अनहेल्दी जर्मन वर्किल्ड और इस दौरान लगभग एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग सिक्सटी लाख ज्यूस टेन लाख पोलिस टू लाख एंड सेवेंटी थाउजेंड अनहेल्दी जर्मन से उनको मार दिया गया था ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर द ट्रूथ वॉज रिवील्ड टू द होल वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ही ये सब कुछ पूरे वर्ल्ड को पता चलता है सो दिस इज नॉन एज द होलो कॉस्ट इसको होलो कॉस्ट कहा जाता है ओके okay? सो so, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट दस्कर कैरिड आउट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज नॉन एज द होलो कॉस्ट एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड सिक्सटी लाख जूस टू लाख जिप्सीज टेन लाख पॉलिस एंड सेवेंटी थाउजेंड अनहेल्दी जर्मन किल्ड उनको मार दिया गया था गैस चैम्बर्स में ले जा करके उनको खत्म कर दिया गया था एंड द पीपल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैम टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको पता चला था ओके नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट शोर्ट आंसर है क्वेश्चन में ये थर्ड एंड फिफ्थ एंड द लास्ट रहेगा वट हैपन वट प्रॉब्लम्स वर द रिपब्लिक ऑफ वायमर फेसिंग किस टाइप की प्रॉब्लम्स थी जो वाइमर रिपब्लिक था वो फेस कर रहा था उस वक्त उनके सामने कई सारे चैलेंजेस थे आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ द एम्पर है दैट वॉज एवेडिकेटेड यानी कि उसने गद्दी को छोड़ दिया था ओके सो वायमर रिपब्लिक कै मीन टू द पॉर वायमर रिपब्लिक है दैट वॉज ए रिपब्लिक मीन्स दैट वॉज ए इलेक्टेड गवर्नमेंट पहली बार इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी वहां पर वो सामने आई लेकिन उसके लिए कई सारे चैलेंज थे कौन से थे ये मैं बताने फर्स्ट दैट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड टू साइन ए ट्रीटी ऑफ वर्साइल दैट वॉज क्वाइट हार्श वन हार्श थी एंड जर्मनी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल द फाइन वॉज इम्पोज ऑन द जर्मनी एंड जर्मनी बिकम ए वीक कंट्री एक पुअर कंट्री बन जाता है जर्मनी बिल्कुल एंड पीपल हैसिबल वाइमर रिपब्लिक फॉर एवरीथिंग और लोगों को लगा कि ये सब कुछ वाइमर के कारण हुआ है ये आए पावर में और इन्होंने बस वहां जा करके साइन कर दिए लाइक दैट तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टू कन्विंस द पीपल एंड टू टेक आउट द जर्मनी फ्रॉम दैट कंडीशन उससे बाहर लेके जाना ओके okay. सेकेंड जो चैलेंज था दैट वॉज द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड सब कुछ खत्म हो चुका था एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ट्रेड एवरी थिंग वॉज डिस्ट्रॉयड सब कुछ खत्म हो गया था सो so, वहां पर एक अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा चैलेंज था अब यही चैलेंज था जिसका फायदा बाद में हिटलर उठाता है बिकॉज द वायम रिपब्लिक वॉज नॉट गेटिंग सक्सेस इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी बिकॉज द वायम रिपब्लिक वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट लोगों को काम धंधा नहीं दिला पा रहे थे तो ये एक चैलेंज था उनके लिए थर्ड चैलेंज था द चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज दे हैड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो जीरो पे आ चुके थे तो उसको वापस पटरी पे लाना जो डी हो चुके थे बट इट वॉज ए अ फेल टास्क बहुत बड़ा टास्क था सो दीज वार द्री चैलेंजेस बिफोर द वाइमर रिपब्लिक आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये तीन बड़े चैलेंज थे जिनको पास करना था तीन बड़े टेस्ट थे जिनको पास करना था और वाइमर रिपब्लिक का वो फेल हो गया नाउ लेट्स मू टू द लास्ट सेगमेंट जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर मैंने सिर्फ हेडिंग्स के लिए राइट की है यू नीड टू एक्सप्लेन दिस वन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर आपको फाइव मार्क्स लेने हैं ओके सो व्हाट वर द रीजंस फॉर नाजिज्म और हिटलर पॉपुलैरिटी नाजिज्म या हिटलर पॉपुलर हो गए थे काफी पॉपुलर हो गए थे यानी कि ब्लाइंडली लोग उनको फॉलो करते थे तो उसके कारण क्या थे हमें बताना है क्योंकि आप हमारा जो हाफ चैप्टर वो इसी के ऊपर है और चैप्टर का टाइटल है द राइज ऑफ हिटलर हिटलर कैसे एक चांसलर बना कैसे हिटलर एक हीरो बन गया था फॉर द जर्मन पीपल तो यहाँ पर हमें वही बताना है फर्स्ट द फेलियर ऑफ द वाइमर रिपब्लिक आफ्टर द मोनाक जो मोनाक सिस्टम था मोनाकी सिस्टम था वाइमर रिपब्लिक केम इन पावर दैट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी बट द वाइमर रिपब्लिक फेल टू फुलफिल द एम्बिशंस ऑफ द पीपल विशेज ऑफ द पीपल वो पूरा करने में फेल रहा बिल्कुल एंड द हिटलर टुक द एडवांटेज ऑफ दैट वन हिटलर ने उस चीज का फायदा उठाया तो पहला था फेलियर ऑफ द वाइमर रिपब्लिक अगर वाइमर रिपब्लिक फेल नहीं होता तो शायद हिटलर को मौका नहीं मिलता सो द फेलियर ऑफ द वाइमर रिपब्लिक दैट क्लियर द वे फॉर द हिटलर राइज हिटलर के लिए एक तरीके से रास्ता साफ कर दिया एंड इवन ये नहीं कि सिर्फ रास्ता साफ कर दिया था उसको कई सारे ऐसे मौके दे दिए थे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है भाई यहाँ पर तो जर्मनी की बड़ी बेजती हो गई है मैं लेके आऊँगा हिटलर ने कहा

मैं आपको बाहर लेके जाऊंगा तो वो उस क्राइसिस में एक ये भी था कि अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू था एंड uh, वहां पर एक तरीके से जो प्रॉमिस होते हैं ना चुनावी वादे वैसे ही चुनावी वादे हिटलर ने किए दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द दम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड पीपल आई एम गोइंग टू टेक आउट द जर्मनी फ्रॉम दिस क्राइसिस अब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था कि भाई हमने तो मोनार्की को देख लिया हमने रिपब्लिक को डेमोक्रेसी को देख लिया चलो इसको भी देख लेते हैं सो so, इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस द कंडीशन ऑफ द जर्मन पीपल बिकम वर्सन काफी खराब हो चुकी थी एंड दे सा हिटलर एज देयर मसिया उन्हें लगा कि ये मसिया जो उनके लिए सब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है सो so, इस कंडीशन ने भी उनकी हेल्प की थर्ड वन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल ट्रीटी ऑफ वर्साइल वॉज क्वाइट हार्स बहुत हार्स थी एंड लोगों को लगा कि दिस वॉज लाइक दैट ऑफ इंसल्ट ऑफ द इंटायर जर्मनी एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड हिटलर एंड द नाजी पार्टी प्रोमिस टू टेक बैक देंगे वी आर गोइंग टू दे प्रोमिस दैट दे आर गोइंग टू ब्रिंग बैक द डिग्निटी ऑफ द जर्मनी उसको वापस लेकर के आएंगे सो so, इससे भी उनको हेल्प मिली क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद इतने पॉपुलर नहीं हो पाते हिटलर फोर्थ वन इज द वायलेंट नेशनलिज्म दे शोट और दे पॉपुलइज द वायलेंट नेशनलिज्म वायलेंट नेशनलिज्म मीन्स उन्होंने इस तरीके से शो किया कि नेशन के आगे कुछ नहीं है दैट वी आर गोइंग टू टेक द रिवेंज वी आर गोइंग टू अंडू द ऑफ वर्साइल्स के कांड जो कुछ भी है उसको हम अंडू कर देंगे सब कुछ ठीक कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू बिकम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड तो ये जो आइडियोलॉजी थी इस प्रकार की आइडियोलॉजी थी

बिकॉज ही अन वॉजिलेंट मैनेजर था मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी थी ही वॉज ए वेरी गुड स्पीकर जब भी वो स्पीच देता था लोग सुनते रह जाते थे मतलब जो उसने बोल दिया लोगों को लगता था कि ये सच बोल रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी थी उसने भी हेल्प की थी हिटलर के पॉपुलरेज पॉपुलर uh, होने में तो ये कुछ रीजन्स थे जिसके कारण हिटलर और नाजम है वो पॉपुलर होते हैं जर्मनी में नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द सेलियंट फीचर्स ऑफ नाजिज्म आइडियोलॉजी नाजिम आइडियलॉजी है उसके कुछ फीचर्स हमें बताने की वो क्या थी एक्चुअली में नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो हिटलर की आइडियोलॉजी थी फर्स्ट वन रेसिस्ट थिंकिंग थी द नाजीज कंसिडर दैट अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी जो वर्ल्ड है ऑल द पीपल आर नॉट इक्वल की सभी रेस है वो इक्वल नहीं है सम आर ओन द टॉप एंड सम बॉटम कि कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं दे कंस्टर्ड जर्मन आर्यन ऑन द टॉप एंड दे कंस्टर्ड यूज एट द बॉटम तो ये पहली जो आइडियोलॉजी थी वो रेसिस्ट थिंकिंग में बिलीव करते थे दैट द ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड आर नॉट इक्वल वी आर जर्मन आर्यन एंड वी आर ऑन द टॉप एंड वी आर बोर्न टू रूल द वर्ल्ड कि हम तो हमारा तो जन्म इसलिए हुआ ना कि हम पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करेंगे सो so, पहली जो आइडियोलॉजी थी दे बिलीव्ड इन द रेसिस्ट थिंकिंग में वो बिलीव करते थे एंड दे कंस्टर्ड अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी दे देस देअर ग्रेटेस्ट एम एन एम उनको मानते थे कि हम साफ करेंगे इनको ओके okay. सो so ये उनकी आइडियोलॉजी का मेन पॉइंट था सेकंड था प्रेज ऑफ द डिक्टेटरशिप दे बिलीव्ड इन द डिक्टेटरशिप दे बिलीव्ड इन द वन नेशन वन लीडर वो बिलीव करते थे कि एक देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए एक देश के लिए एक लीडर होना चाहिए सो so ये सेकंड फीचर था उनका थर्ड था बिलीव इन द वॉर दे पॉपुलइज द वॉर को पॉपलाइज किया था दे टोट दीपल टू वर्शिप फोर कि अगर हम टॉप पे हैं आगे बढ़ना है तो हमें युद्ध करना है तो वो युद्ध में बिलीव करते थे यानी कि पीस में उनका कोई बिलीव ही नहीं था कोई लेना देना ही नहीं था उनकी बनती ही नहीं थी पीस के साथ फोर्थ वन बिलीव इन द इम्परिज्म इंपरलिज्मींस टू अटैक ऑन सम्री के ऊपर अटैक करना और अपने कंट्री का एक तरीके से एक्सपेंशन करना उसमें वो बिलीव करते जब युद्ध में कोई बंदा बिलीव करेगा तो वो ऐसा ही करेगा ओके एंड एंटी डेमोक्रेटिक देवर अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं उनके वो खिलाफ थे अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी दैट डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मेक द कंट्री वीक पावर डिवाइड हो जाती है और देश वो कमज़ोर हो जाता है तो ये उनकी मेन आइडियोलॉजी थी मेन फीचर्स थी नाजम के ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइव मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहेगा बिकॉज नाजी आइडियोलॉजी थी वही जर्मनी की आइडियोलॉजी थी वही हिटलर की आइडियोलॉजी थी नाउ लेट्स डू डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा वट इफेक्ट डिड द ग्रेट डिप्रेशन हैव ऑन जर्मनी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के जर्मनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े जो कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है जो इंडिया के ऊपर रहे जो यूएसए के ऊपर रहे या किसी भी देश के ऊपर रहने थे वही इफेक्ट जर्मनी के ऊपर पड़े क्या इफेक्ट पड़े ग्रेट डिप्रेशन की हमें बताना है। इंडस्ट्रीज टॉल्ड इंडस्ट्रीज वर शट डाउन इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई बंद हो गई इट मीन्स दैट कि जब प्रोडक्शन की डिमांड ही नहीं रही तो ऑटोमेटिक वो बंद होनी थी सेकेंड बिजनेस कोलेप्सड वर्ल्ड जो बिजनेस था वो बुरी तरीके से कोलेप्सड हो गया बिकॉज डिमांड्स uh, थी वो कम हो गई थी एक्सपोर्ट था वो रिड्यूस हो चुका था डिक्रीज़ हो चुका था और इम्पोर्ट की भी कोई गुंजाइश नहीं थी थर्ड इफेक्ट था इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ चुकी थी इट मीन्स द प्राइस ऑफ द डेली यूज की जो थिंग्स थी उनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे तो दैट वॉज द थर्ड इफेक्ट ऑन जर्मनी इवन जो ब्रेड थे वो खरीदने के लिए लोगों को कार्ट में भर के पैसे लेके ले जाने पड़ते थे जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा है सो इन्फ्लेशन वॉज द थर्ड कभी भी किसी भी देश में जब डिप्रेशन आता है तो ये इफेक्ट रहते हैं कॉमन इफेक्ट हैं ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बिकॉज द फैक्ट्रीज वर शट डाउन एंड द बिजनेस कोलेप्सड एंड इवन द फार्मिंग वॉज नॉट ए प्रॉफिटेबल रिमेन प्रोफिटेबल एट दाइम वो भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एंड द पीपल हु आर वर्किंग एट दैट टाइम दे हैड टू वर्क ऑन द लोअर वेजिस पे उनको काम करना पड़ रहा था फोर्थ था रिडक्शन इन प्राइसेज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइसेस कम हो गए थे यानी कोई उनको पूछ ही नहीं रहा था एंड दैट वर्स इन द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स टू इससे फार्मर्स की कंडीशन भी काफ़ी खराब हो चुकी थी तो ये कॉमन सी थी यानी इंडस्ट्रीज बंद हो गई बिजनेस था वो बर्बाद हो गया महंगाई बढ़ गई इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द पुअर कंडीशन कह सकते हैं पुअर कंडीशन ऑफ द फार्मर्स टू तो ये कुछ इफेक्ट्स थे जो कॉमन इफेक्ट्स थे अगर आपको इंडिया के या किसी भी कंट्री के बारे में लिखना हो कि वट वर द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन तो ये सेम रहेंगे नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का रहेगा जिसमें हमें बताना है वट वर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इसी ने वो बीज बो दिए थे इट्स सो द सीड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये थी क्या ये हमें समझना है जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड फाइंड ए पेनल्टी ऑफ सिक्स बिलियन पाउंड वॉर कंपनसेशन जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया यानी कि ये किसके बीच में थी इट वॉज ए ट्रेटी बिटवीन जर्मनी एंड द विनिंग कंट्रीज जो थे इंग्लैंड फ्रांस रशिया और यूएसए उनके बीच में एक ट्रेटी थी तो जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसे कहा गया कि भाई तूने युद्ध किया है अब हमारा जो कुछ भी नुकसान हुआ है वो सब कुछ तू भरेगा ओके सो जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड फाइंड पेनल्टी ऑफ सिक्स बिलियन पाउंड वॉर कंपनसेशन सिक्स बिलियन पाउंड लगभग बयालीस हजार टन सोने के बराबर था उसकी लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है जब उसका फोर्टी परसेंट छोड़ दिया गया था तब जाकर के जर्मनी दो हजार आठ में भरी है भाई सोच लीजिए कितना बड़ी एक ये अमाउंट रही होगी सो जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड फाइंड ए पेनल्टी ऑफ सिक्स बिलियन पाउंड एज ए वॉर कंपनसेशन के तौर पर सिक्स बिलियन पाउंड उन्हें उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया पेनल्टी लगाई गई जर्मनी हैड टू लॉस इट्स कॉलोनीज उसकी जितनी भी ओवर सील कॉलोनीज थे लाइक like हम इंडिया क्या थे वी वर द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड ऐसी उसकी जितनी भी कॉलोनीज थी वो उनसे छीन ली गई जर्मनी लोस्ट थर्टीन परसेंट ऑफ इट्स टेरिटरी उसकी थर्टीन परसेंट जो टेरिटरी थी खुद का इलाका था दैट वॉज डेनमार्क एंड फ्रांस जो नेबरिंग कंट्रीज थे पोलैंड उनको दे दिया गया नेक्स्ट जर्मनी लोस्ट द रिसोर्स रिच रूह रीजन सेवेंटी फाइव परसेंट वहां का आयर्न और ट्वेंटी सिक्स परसेंट जो कोल का रीजन था वो भी उससे छीन लिया गया इट मींस दैट न केवल उसको फाइन देना था बल्कि उसके रिसोर्सेज भी छीन लिए गए सो इट बिकम इंपॉसिबल फॉर द जर्मनी टू पे द कंपनशेशन पे करना उसके लिए मुश्किल हो गया था जर्मनी आर्मी वॉज डिस्पेंडेड आर्मी थी उसको डिसमिस कर दिया गया उसको कह दिया गया पांच हजार से ज्यादा आर्मी नहीं रखोगे ओके सो यह था ट्रेटी ऑफ वर्साइल दैट वॉज एक क्वाइट हार्स जो काफी ज्यादा हार्स थी और उसी के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है अगेन देखिए एक बार जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड फाइंड पेनल्टी ऑफ सिक्स बिलियन पाउंड वॉर कंपनसेशन सेकेंड जर्मनी है उसकी सभी कॉलोनीज छीन ली जाती है जर्मनी लोस्ट थर्टीन परसेंट ऑफ इट टेरटरी उसकी टेरटरीज है थर्टीन परसेंट खुद का इलाका वो भी छीन लिया जाता है जर्मनी लोस्ट द रिसोर्स रिच रूहर रीजन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ फॉरन ओवर एंड ट्वेंटी सिक्स परसेंट कोल्ड रीजन टू नेबरिंग कंट्रीज है वो उससे छीन लेते हैं एंड जर्मनीज आर्मी वॉज डिस्पेंडेड एक तरीके से उसको अपंग बना देते हैं तो ये थे कुछ मेन फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स तो ये थे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो दैट इज़ मोर देन इनफ यानी कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है ऑल दो हमने जो वन मार्क्स के क्वेश्चन है वो फिफ्टीन डिस्कस किए काफ़ी सारे क्वेश्चन वन मार्क्स के हमारे थ्री और फाइव मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनमें से भी बनने वाले अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज आपको अच्छी लगी आपको कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू बाय बाय हैव है नाइस डे